रुबाई यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे इवेंट बाइंडिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इवेंट बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, जो भी टीएस फाइल में चेंज कर रहे थे तो आपका एचटीएमएल में चेंज हो रहा था। अब इसका उल्टा करना है, ठीक है, कि आपके एचटीएमएल में जो भी बिहेवियर में चेंज होगा उससे आपका जो टीएस फाइल में चेंजेस आप कर सकते हैं, आप अपने लॉजिक में चेंज कर सकते हैं टीएस के कि, और इसको कैसे कर सकते हैं, थ्रू इवेंट बाइंडिंग। तो चलिए फ्रेंड इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट को रन कर लिया है और मैंने विजुअल स्टूडियो में अपना कोड को ओपन कर लिया है। तो मैं एक बटन बना रहा हूँ फ्रेंड, और इस बटन का नाम देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। अब मैं ब्राउजर पर जा रहा हूँ, तो देखिए आपका ये बटन बन गया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं एक इस पर एक इवेंट कॉल करना चाह रहा हूँ, एक इवेंट, बहुत सारे इवेंट होते हैं फ्रेंड, मैं एक इवेंट इसका नाम देता हूँ हैंडल, इस फाइल पे डॉट डॉट। अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो आपको कंसोल में हेलो दिखेगा, ठीक है। अब मैं गया फ्रेंड, अब ये मेरा कंसोल ओपन है। जैसे मैं क्लिक किया तो देखिए फ्रेंड आपको हेलो दिख गया, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही इस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो ये बटन जो है डिसेबल हो जाना चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या कर इसमें प्रॉपर्टी का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, अब इसमें प्रॉपर्टी का नाम लिख रहा हूँ डिसेबल, डिसेबल्ड, एंड इसका कुछ नाम दे रहा हूँ इज डिसेबल्ड। मैं इस बटन को इनिशियली फॉल्स रखूंगा ताकि वो अनेबल रह सके। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड इनिशियली ये बटन क्या है फ्रेंड, अनेबल है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो ये जो मेरा बटन है ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या काम करूँगा फ्रेंड, इस वेरिएबल को उठाऊँगा और इसमें दिस डॉट और इसमें ट्रू सेट कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक किया तो देखिए फ्रेंड आपका हेलो कंसोल हुआ और ये बटन डिसेबल हो गया, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें तो ये डिसेबल भी हो जाए और इसका नाम भी चेंज हो जाए, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के साथ कर सकते हैं फ्रेंड, कि अगर ये ट्रू हो, मैं बाइन टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, अगर ये ट्रू हो तो यानी आपका बटन डिसेबल रहेगा। इसको मैं लिख देता हूँ अनेबल में, अनेबल में, नहीं तो इसका जो नाम है वो डिसेबल रहेगा, ठीक है। अब क्या है फ्रेंड कि आपका जो बटन है वो इनिशियली क्या है फॉल्स है, तो क्या आप उसका नाम होगा डिसेबल। अब जैसे उस बटन पर क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगा ट्रू, तो उसका नाम चेंज होना चाहिए अनेबल, ठीक है। तो
ब्राउजर पे मैं आया फ्रेंड। अब देखिए आपका बटन का नाम क्या है, डिसेबल, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए आपका इवेंट कॉल हुआ और ये हेलो प्रिंट हुआ, आपका बटन भी डिसेबल हो गया और उसका नाम भी चेंज हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो आप इस तरीके से इवेंट बाइंडिंग को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।